नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। लोजपा की बड़ी टूट के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। लोजपा में बड़ी टूट हुई, भतीजा को चाचा ने पटकनी दिया। आखिर पशुपति पारस ने ऐसा किया क्यों? 6 में 5 सांसद एक तरफ, चिराग अकेले, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। आज पूरे देश की कमेटी को भी पारस ने भंग कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहुत जल्द कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन वजह क्या थी जो कि पारस ने लोजपा को तोड़ दिया और स्वयं अध्यक्ष बन गए? लोकसभा में नेता का भी पद उन्होंने प्राप्त कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्री बनूंगा तो नेता का पद छोड़ दूंगा। तो इससे स्पष्ट आप समझ लें कि केंद्र में मंत्री बनने के लिए पशुपति पारस ने लोजपा को तोड़ा और इनकी आपसी समझौता हो गई नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने इन्हें आश्वासन दिया कि अगर आप लोजपा तोड़कर अलग होकर अलग लोजपा बनाकर अगर एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं तो भी आपको एक केंद्र में मंत्री पद जदयू कोटे से मिलेगी, अगर आप एस्टेब्लिश्ड नहीं होते हैं तो 5 सांसद जदयू में विलय कर जाएंगे तो भी आपको एक मंत्री पद दी जाएगी। साथ ही साथ बिहार में एक तनवीर अख्तर के मर जाने से जो विधान परिषद की सीट खाली हुई है वह सीट भी आपके पार्टी को, आपके सदस्यों को दी जाएगी और बिहार में मंत्री भी बनाया जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ हो जाएं। मैं बताऊं आपको कि बिहार में पशुपति पारस MLC बने थे और मंत्री नीतीश के शासन काल में बने थे और नीतीश कुमार से पशुपति पारस की काफ़ी नज़दीकियां बढ़ गई थी, जो रामविलास पासवान समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी लोकसभा सीट छोड़कर इन्हें दिल्ली बुला लिया। उन्हें अंदेशा था कि कहीं न कहीं पशुपति पारस महत्वाकांक्षा के पूर्ति के लिए गड़बड़ी करे, इसलिए जीता जिंदगी उन्होंने बेटा को अध्यक्ष बनाया था। लेकिन उनके मरने के बाद ही पशुपति पारस ने अपना रंग दिखाया और सबसे बड़ी वजह थी उनकी अपनी महत्वाकांक्षा। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार के साथ समझौता करके उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, चिराग को अलग करने का काम किया। यह मामला बड़े ही विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक जानकारी हुई है। सटीक और सही जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक इस वीडियो करें, शेयर करें दोस्तों यारों के मित्रों के बीच और कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। धन्यवाद।